एनसीईआरटी की नकली किताबों के गोरख धंधे के मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से धारा 144 लागू होने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर बीजेपी कार्यालय का घेराव का ऐलान किया था, जिसको लेकर आज उन्होंने अपने कार्यालय से पैदल मार्च करना शुरू किया, लेकिन कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली, जहां पुलिस कर्मियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। नकली किताबों के गोरख धंधे में लिप्त गैंग का पर्दाफाश किया था। मेरठ और गजरौला में छापेमारी के बाद करीब 70 करोड़ की नकली किताबें बरामद हुई थी, जिसके बाद बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में भाजपा ने संजीव गुप्ता से किनारा करते हुए महानगर उपाध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया। वहीं अब समाजवादी और कांग्रेस को राजनीति करने के लिए एक मुद्दा मिल चुका है, जिसके बाद अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन का दौर चालू हो चुका है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मेरठ से शुभम शर्मा की एक खास रिपोर्ट। जो भी चीजें इन्होंने डिमांड जो किया है और इन्होंने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित उन्होंने मांग पत्र दिया है, उस संबोधन को जो भी मांग पत्र कंसर्निंग को वहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस सीओ साहब भी मेरे साथ है और उन्होंने जो भी चीजें हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस की जाँच का विषय है, इसमें इस प्रकरण में ऑलरेडी एफ आई दर्ज भी जा चुकी है और लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं। ये पुलिस अपना जो भी रहेगा वो अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रही है, वो देख लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी कंसर्निंग जो भी चीज़ें उनको निर्देश दे दिया गया है, इस संबंध में नियमों से कार्रवाई करें। मेरा नाम अवनीश काजला है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ का अध्यक्ष हूँ। आज कांग्रेस पार्टी एक मार्च निकालना चाहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मेरठ की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उनके पदाधिकारी आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसके सच को जनता के बीच में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रही थी, जिसे प्रशासन ने बीच में रोका। और कांग्रेस पार्टी जब तक इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी, तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण को जमीन से लेकर सड़क तक मजबूती से लड़ती रहेगी। आगे अगर इस पे प्रशासन जल्द निर्णय नहीं लेता, तो कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश नेतृत्व इसमें शामिल होगा। इस भ्रष्टाचार की आवाज को कांग्रेस पार्टी दबने नहीं देगी।